जय हिंद साथियों, मैं आप सबका छोटा भाई अभिराज और अभी आप सब देखना प्रारंभ कर चुके हैं अभिराज 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। सो साथियों, मैं इस वक्त झंझारपुर लौखा रेलखंड में उपस्थित हूं और आप सबको झंझारपुर लौखा रेलखंड का अपडेट दिखा रहा हूं इस वक्त, जो कि देख सकते हैं आप सब। मैं इस वक्त लौखा बाजार पर हूँ, यानी कि लौखा स्टेशन पर हूँ एक तरह से, और यहाँ पर जो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, वो किस तरीका से है देख सकते हैं। इस सीढ़ी का अभी जो है सो मरम्मत चल रहा है कि प्लेटफॉर्म के दोनों साइड जो बाउंड दिया जाता है, दीवारें खड़ा किया जाता है, तो वो सारा बाउंड वगैरह वगैरह जितना भी है सारा बाउंड का काम कंप्लीट है। और अभी फिलहाल नल जल का जो काम है वो भी चल रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप सब चैनल पर नया में विजिट किए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अपडेट डालू तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज में नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पर जाकर अभिराज 24 न्यूज सर्च मारिए और वहां पे जाके अपने भाई को सपोर्ट भी कीजिए और चैनल से जुड़े भी रहिए। बाकी ये देख सकते हैं लौखा का जो पुराना स्टेशन था वो वही था जो पुराना खंडहर की तरह आप सबको दिखने में लग रहा था। बाकी चलिए नीचे चल के दिखाते हैं आप सबको किस तरीका से नीचे से जाकर जो है सो व्यू देखने में लगता है। हालांकि यहाँ पर तीन लाइने में पटरी बिछाया गया है, मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हूं। इस स्टेशन का प्रवेश द्वार जो है सो प्लेटफॉर्म नंबर एक से ही होकर आते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म नंबर दो और जो है सो आगे साइड है, बीच में जो है सो एक पटरी बिछाया गया है। और इस रूट में ट्रेन चालू होने का भी कोई डेट नहीं निकाला गया है, अगर आप सबको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।